बाल इतने ज्यादा फ्रिजी और इतने ज्यादा डैमेज क्यों लग रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी वेल्स। और मेरा नाम है शालिनी। अगर आप मेरी चैनल पे न्यू हैं और पहली बार मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बिल को हिट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो आप लोगों को पता चल जाए। और अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरी वीडियोस को देखते हैं तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में ज़्यादा ब्लैबर नहीं करने वाली या ज़्यादा बातें नहीं करने वाली, बहुत ही शॉर्ट वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। एक प्रोडक्ट का रिव्यू है जो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि ये थंबनेल और टाइटल से कि किस प्रोडक्ट के बारे में है और जिसकी वजह से आपने ये वीडियो पर क्लिक किया है। यस, ये है लॉरियल का ड्रीम लेंथ शैम्पू, विच इज़ रीस्टोरिंग शैम्पू विथ वेजिटल किराटिन एंड कैस्टर ऑयल। किराटिन एंड कैस्टर ऑयल एंड इंटेंसली रिपेयर्स लेंथ लॉन्ग डैमेज है। ओके, सो मैंने इस जो मैंने ये प्रोडक्ट कैसे लिया, मैंने एक्चुअली थोड़ा सा मैं आपको अपना पास्ट बता दूँ, मतलब कुछ 3-4 महीने पहले की बात है। 3-4 महीने पहले की क्या, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल होने जा रहा है, 9-10 महीने की बात है, जब अप्रैल में मेरे को कोविड हो गया था। उसके बाद मेरे को इंटेंस हेयर फॉल हुआ था, इंटेंस बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैं मेरी डिलीवरी हुई थी सितंबर में, सो इट्स 6 or 7 month, वैसे भी मेरे बाल गिर रहे थे। और उसके बाद फिर इस कोविड होने के बाद और ज़्यादा बाल मेरे गिरने लगे, मैं इसको लेके क्यों बैठी हूँ, कोविड होने के बाद मेरे बाल और ज़्यादा गिरने लगे, बहुत ज़्यादा। सो मैंने अपना हेयर कट करा लिया था। अब आप देखो मेरे बाल थोड़े बढ़ गए हैं। जब मैंने हेयर कट कराया था, मैंने शायद हेयर कट अगस्त में ही कराया था, अगस्त या सितंबर में, आई एम नॉट श्योर, बट अगस्त में करा लिया था शायद। सो मेरे बाल यहाँ यहाँ तक थे, बहुत ज़्यादा छोटे करा लिए थे। उसके बाद सही में मेरे बाल गिरने कम हुए, और उसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई कि कैसे मेरे बाल गिरने कम हुए, मैंने क्या प्रोडक्ट्स यूज़ किए। अभी रिसेंटली मैंने इसका एड देखा था टीवी पे 2-3 बार। मैंने सोचा कि ये नया लॉन्च है लॉरियल का, लॉरियल पैरिस के। मैंने पहले भी जो सेलोन प्रोफेशनल शैम्पूज होते हैं ना, वो मैंने यूज़ किए हैं और वो अच्छे थे। मैंने सोचा मैं ट्राई करती हूँ। सबसे पहली बात कि मैं ये बता दूँ कि ये क्या क्लेम करता है। ये क्लेम करता है कि इनका जो फॉर्मूला है इज रिच विथ कॉकटेल ऑफ वेजिटल केराटिन विटामिन एंड कैस्टर ऑयल विच हेल्प्स रिकन्स्टिट्यूट योर हेयर टू द टिप्स एंड लीव योर हेयर स्ट्रॉन्गर एंड नरिश गिव शाइन टू योर हेयर एंड टू कीप इट लॉन्ग। ओके, तो मैंने भी सोचा कि हो सकता है, मेरे को भी था कि मेरे बाल जल्दी से लंबे हो जाएं, अब बहुत ज़्यादा छोटे करा लिए हैं। तो मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा लंबे बाल रखती हूँ, बट जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मैंने सच में अपने बाल बहुत छोटे करा लिए थे। आई डोंट नो मेरे माइंड में क्या आया, मेरा मूड क्या बना, एक दिन मैं इतनी ज़्यादा परेशान होने लगी अपने बालों से, इतना उलझन मुझे लग रहा था, तो मैंने कट ही करा लिया उसको। तो वो तो जस्ट काइंड ऑफ मूड स्विंग था या जो भी था उस टाइम पे, तब मैंने कराया था। फिर उसके बाद मैंने ये शैम्पू लिया, ठीक है, देखते हैं। सबसे छोटा पैकेट यही था, मैं इससे भी छोटा पैकेट ढूंढ रही थी क्योंकि पहली बार मैं ट्राई करी थी, आई डोंट नो मेरे बालों पे कैसा काम करेगा। सबसे छोटा पैकेट मैं ढूंढ रही थी, बट मुझे मिला ये। ओके, इसमें भी कोई इशू नहीं है। जब ये मुझे मिला, मैंने ट्राई किया, पहले दिन जैसे ही आप मेरे बाल देख रहे हो, ये मेरे बालों का, मतलब मैंने बाल कब धुले थे, आज है मंडे, कल धुले थे मैंने बाल, तो जो नेक्स्ट डे मेरे बाल ऐसे हो जाते हैं, थोड़े से वेवी हैं, तो अभी थोड़े से मैंने कॉम करे हैं तो ऐसे हैं, बट आप नीचे से देख सकते हो वेवी हैं, ठीक है। मैंने जब इसको शैम्पू को ट्राई किया पहले दिन, पता नहीं मेरे बाल इतने ज़्यादा कर्ली, ऐसा लग रहा था जब हम स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं और जब बहुत ज़्यादा हीट, ऐसा लगता है ना जैसे बाल जल गए हों, वैसा मुझे अपने बालों में लगा। जो कि मैंने सोचा कि हो सकता है कि अब ठंड आ गई है और हम गर्म पानी से बाल धोने लगे, वैसे मैं इतने ज़्यादा गर्म पानी से बाल नहीं धोती हूँ, बहुत ही ल्यूकवार्म वाटर रखती हूँ बाल धोने के लिए, चाहे जितनी भी ठंड हो, अगर मुझे ठंड लग रही हो तो मैं बाल धोना स्किप कर देती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अपने बालों को नहीं धोती हूँ, बिकॉज मुझे अपने बालों से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मुझे लगा कि हो सकता है उस वजह से हो, ठीक है। मैंने
अब ये पूरी बॉटल फुल है, आप देखो मैंने इसको 3 या 4 बार ही यूज़ किया, उसके बाद मैंने इसको यूज़ करना स्टॉप कर दिया। फिर मैंने फिर से इसको यूज़ किया, तब भी मुझे लगा मेरे बाल इतने फ्रीजी और मेरे जो बेबी हेयर्स थे, इट्स लाइक आपने अगर मेरे पुराने ब्लॉग्स देखा होगा मेरी मम्मी के यहाँ पे जब मैं गई थी, तब आपको मैं बता रही होंगी कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा, मेरे जो आप अभी देखो अभी नहीं है, बेबी हेयर्स को ज़्यादा ही ऊपर को ऐसे ऐसे उड़ते थे। तो मुझे समझ नहीं आया कि अचानक से मेरे बाल इतने ज़्यादा फ्रीजी और इतने ज़्यादा डैमेज क्यों लग रहे हैं। फ्रीजी हैं मेरे बाल, मैं ये नहीं कहूँगी फ्रीजी नहीं है, बट ऐसा नहीं लगता कि जल गए हों। बट इसको यूज़ करने के बाद मेरे बाल लिटरली ऐसे लग रहे थे कि जल गए हों। मुझे नहीं पता, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ख़राब रहा है और अब मैंने इसको यूज़ करना छोड़ दिया है। मुझे पता कैसे लगा कि इसकी वजह से मेरे बाल ख़राब हो रहे हैं, जब मैं मम्मा के यहाँ गई तो मैं ये शैम्पू लेके नहीं गई थी, भूल गई थी मैं यहाँ पे। वहाँ पे भी आके मैंने उनका कोई शैम्पू यूज़ किया और मेरे बाल ऐसा नहीं लगता था कि जल गए हों, वो नॉर्मल जैसे मेरे बाल थे वैसे लगने लगे 2-3 वॉश के बाद। तो मुझे समझ में आ गया कि इस शैम्पू की वजह से ही मेरे बाल फ्रिजी हुए हैं। तो भी मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि पानी चेंज हुआ हो, और जैसे टाउन में और विलेज में थोड़ा सा, स्मॉल सिटीज़ में थोड़ा सा पानी का डिफरेंस हो जाता है। तो फिर से मैंने यहाँ आके फिर से इसको ट्राई किया और फिर से मेरे बाल वैसे ही हो गए, बिल्कुल जले हुए ड्राई से। मैं यहाँ पे पिक्चर, अब मेरे पास है तो नहीं, बट मैं कोई पिक्चर जो मिलती जुलती हो नेट से हो यहाँ पे लगा दूंगी कि मेरे बाल कैसे लगते थे। सो आई रियली, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ख़राब रहा है और आई रियली मुझे नहीं पता कि मेरे आपके साथ भी ख़राब हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि सबको हर चीज़ सूट नहीं करती, बट आई डोंट नो कि मतलब इतना ज़्यादा ये डैमेज इसने मेरे बालों को क्यों किया। हो सकता है इसमें कोई केमिकल हो, इन्ग्रीडियंट हो जो मुझे सूट नहीं करता, तो आपको सूट करे। बट प्लीज़ अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो इसका कोई अगर छोटा पैकेट, मुझे नहीं लगता इससे कम, इससे कोई छोटा पैकेज है, बट अगर है ऑनलाइन या कहीं से भी आपको मिलता है तो आप प्लीज़ वही यूज़ करना, आप इतना बड़ा मत यूज़ करना। पहले उसको यूज़ कर लें, उसके बाद ही इसको लें। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था और बस मैं आपसे यही शेयर करना चाहती थी इसके बारे में, और ये वीडियो बस इतनी छोटी ही थी। सो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, या आप ये शैम्पू लेने का सोच रहे हो, तो प्लीज़ आप थोड़ा सोच लें और इंग्रेडिएंट्स अच्छे से देख लें इसके, उसके बाद ही लें, और छोटा पैकेट लें प्लीज़। छोटा पैकेजिंग अगर आपको मिलता है इससे तो ही उसको लोग लें, प्लीज़ अपने पैसे ख़राब ना करें। ये 150 का है, 150 भी कुछ पैसे होते हैं जो हमें बहुत मेहनत से कमाने पड़ते हैं, तो उसको भी अगर आपको खर्च करना है तो सोच के करें। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस विच आई हैव शेयर्ड विथ यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि उन तक इस प्रोडक्ट का रिव्यू पहुँच सके। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय।